ओ भाई कुछ आ रहा, अजय भाई कुछ आ रहा, पीछे ऊपर ऊपर देख, ऊपर भाई ऊपर देख, ऊपर सामने 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 वो देखो भाई, भाई नीचे आ जा भाई, अजय भाई अरे गिर जा भाई, भाई 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 वो देखो भाई 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 वो आ रही भाई भाई वो भाई 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 वो गई वो आज से कुछ शायद एक महीने हुए होंगे इस जगह तक आके हम लोग वापस लौट गए थे और अंदर तक नहीं जा पाए थे। बहुत ही सोचने वाली बात थी कि एक ऐसा शख्स जो ऐसी कोई सी लोकेशन नहीं होगी जहां पर गया नहीं होगा, लेकिन यहां से आके वापस लौट गए, बहुत सोचने वाली बात थी। सबसे बड़ा एक कारण था इस जगह का, उस समय पे थी गर्मी का टाइम, चारों तरफ कम से कम हम लोगों को 3 से 4 अजगर दिखाई दिए थे। एक जस्ट ऊपर था हम लोगों के, एक इस तरफ रेंग रहा था और हम लोग उसको देख के तो इतना नहीं डरे, लेकिन यहां पर जो हुआ ना अंदर उसको देख के चौंक गए थे। आप यकीन नहीं करोगे, इस वक्त मैं जिस जगह पे हूं वहां पर एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता जाने के लिए। आम इंसान की मैं सच बता रहा हूं औकात ही नहीं है कि यहां तक आ जाए। अब ऐसा कैसे मैं कह रहा हूं, ऐसी कौन सी जगह है, जरा इस जगह को आप देखो कितनी भयानक है और इस जगह की कहानी, इस जगह की दास्ता, इस जगह की स्टोरी, जो भी कुछ है इस जगह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये एक बहुत ही पुराना मुर्दा घर है जो कि अंग्रेज के टाइम का है। एक मुर्दा घर में कोई एक आम इंसान जाएगा तो सोचो कितना डर लगेगा। और मैं इस वक्त अमरेंद्र के साथ इस जगह पर मौजूद हूं। अब मैं सीधा इसके अंदर चलूंगा, इस जगह को पूरा एक्सप्लोर करूंगा और जो कुछ भी इस जगह पर नजर आएगा ना वो आप सब देखो। तो खैर इस वीडियो की शुरुआत आज 11:30 रात से करते हैं। अजय भाई, अमरेंद्र भाई का डरने का सिलसिला जारी है। नहीं, मैं डर इसलिए रहा हूँ जिगर ऐसा ना फिर लटका हो। सावधान रहना, बस और कुछ नहीं चाहते। अब सोचो कि इस जगह पर एक समय में लाइन से लाशें पड़ी होती होंगी, सफेद चादर में लिपटी हुई, कितनी भयानक बात है जो आज पूरी तरह से वीरान पड़ी है, सुनसान है, खतरनाक है। तो ये चीजें मुझे बताते हुए भी आज रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। तो आपका भाई ऐसा काम कर सकता है, बहुत ही कम लोगों में ऐसी जरूरत होती करने की, तो इस चीज को जरूरत करे इस जगह पर आया। भाई अजय भाई, पता नहीं क्या आज हमसे कैमरा मतलब वो एक मुझे फीवर टाइम में इसलिए दिक्कत हो रही है, पता नहीं कैसा मुझे यहाँ पर ऐसे घुटन सी हो रही है, इसे लग रहा मैं ऐसा लग रहा कि डर डर नहीं मतलब ये लग रहा कि पहली बार आया हूँ मुर्दा घर में। तो भाई मैंने कहा ना कोई आम इंसान आएगा ना वो हमसे बकता रह जाएगा, कि इस वक्त भी मैं उस जगह पर कैमरे में देख रहा हूं पर मेरे जस्ट बगल में आत्मा खड़ी कर दे भाई भाग भाई, तू बताता भी नहीं पहले यार, अगर मैं बता देता तो वहीं पे गिर जाता भाई, तू वहीं गिर जाता बेहोश होके। अरे भाई वो बताते नहीं यार, तुम यार बताते नहीं हो, ये किसी आम इंसान की बस की बात नहीं इस जगह पे आने। और भाई यार तुम बताते नहीं, मैंने उसे देखा, अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो वहीं गिर पड़ते। अजगर वाली पूरी स्टोरी की तुमने, भाई बता तो देते एक बार, मेरे अगर मेरे गले में कर देता यार भाई, मैं तो कैमरा सीधा कर रहा था। कौन था भी वहां पर? भाई अजय भाई सुनो तो, यहाँ पे 4-5 बंदे लेके आते चलते हैं। कौन था रहा था भी? अरे भाई बता देना मेरे पीछे कोई हो।
लंबी सांस लो और शर्म नहीं, आ जाओ मेरे पास। भाई तुम बताते नहीं हो बस ये, मुझे पता है वो कहाँ है। भाई वहां दिखी थी। पीछे से खिड़की के पीछे जैसे लगा कोई, एकदम सरसराहट सी आवाज आई। ये जगह जहां पर लाशों को बंद करके रखा जाता था भाई, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। ओ भाई ये कहाँ है? अरे अजय भाई गिर जाओगे, हम भी आए, लपट जाएंगे हम। भाई यार तू नीचे बताए, भाई भाई तुम नीचे आ जाओ। भाई ऊपर है वो, कैमरा ला मुझे। रुको रुको, कैमरा ला मुझे, लाइट दे, वो ऊपर है। भाई यार यकीन नहीं मानोगे तुम, ऊपर है वो, मुझे एहसास हो चुका है कि वो ऊपर ही है। कौन है इस जगह पर? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, वन सेकेंड। वन सेकेंड, मैं पूछ रहा हूं कौन है इस जगह पर? हेलो, अमरीन भाई जी के पीछे, वापस लौटो जल्दी। वो नहीं, वो सामने खड़ी हुई है, मेरे आंखों के सामने है वो, देखो। मैंने कहा ना कैमरा पकड़ो, जल्दी 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 पास कैमरा पकड़ो। अजय भाई आप जो भी है वहीं पर रुक जाना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप जो भी है वहीं रुक जाना। पैर में कीला घुस गया। अजय भाई चल रहा, वो देखो उसके हाथ, देखो हाथ। कौन है? अजय भाई पास मत जाना भाई में, अजय भाई अजय भाई। अमरीन भाई वहां पर देखो। मैं भाई, भाई चलो यार, ये भाई है जो अभी आपको उस जगह पे देखे, यहां से पहले बाहर निकलो जल्दी से, उस जगह पे निकलो जल्दी। ये एक बहुत ही ढीठ और जिद्दी आत्मा है जो कि नहीं चाहती कि हम लोग इस जगह पे रुके, और वो हम पे कब हावी हो जाएगी भाई, हमारे शरीर में या तुम्हारे शरीर में कब प्रवेश कर जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पता है वो जिद्दी आत्मा है, मैं उसके पास तक गया वो हिली तक नहीं वहां से। बाहर निकलो, उसके सामने से रिपोर्ट करेंगे, सामने से रिपोर्ट करेंगे यार। चली गई यहीं पर थी। अजय भाई क्या आप इस जगह पर हो?
अजय भाई, हमें जन कैसा लग रहा है आप हमें बता देना बस। मैं डर इसलिए रहा, मेरे पीछे कोई नहीं। भाई मेरी तो सुन ले, यहाँ इसके पीछे हमने भाई वो चीज इस जगह पे खड़ी है और अचानक से गायब हो गई, जैसे हम लोग इधर घूमे। ये देखो कितनी सवाल ये कि अजय भाई ये कितनी गिर जाएगी। गिर नहीं जाएगी, ये गिराई गई है। क्या आप ऊपर हो या मेरे सामने हो? ये कहा है भाई? भाई मुझे बता देना भाई, इधर चलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आओ, मेरे पैर में कीला लग गया। भाई ऐसा लगता है हमारे साथ चलने की ज्यादा लोगों की आवाज आ रही। मैं नहीं, मैं चलता हूं तो ऐसा लगता है मेरे पीछे से कोई चल रहा है बस। अजय भाई हमें ठीक नहीं लग रहा। भाई हम जलते दो पैरों से। मैं कह रहा हूँ ना डरो नहीं, लास्ट टाइम मैंने बोला डरो मत। हम कह रहे हैं लास्ट टाइम तुमको डरो मत, पता डरने से क्या होगा, हमारा और यहाँ का माहौल बिगड़ेगा, भगदड़ मचेगी, कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे कि यहाँ वाकई में आत्मा है भी है। तो इससे अच्छा कि डरो नहीं, संयम से इस जगह पर कैमरा को हैंडल करो आप, और मैं कोशिश करता हूँ उस चीज को करीब से देखने की, ताकि ये पता तो चले एटलीस्ट है कौन। एक बार उधर चल के आते हैं। मुझे फीवर भी आ रहा है। ये देखो वो सामने वाले कमरे में। अजय भाई ये कहाँ? मैंने कहा ना वो है इस जगह आत्मा। क्या वाकई में आप चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं या नहीं करूं? एक बार मेरे सवालों का जवाब दे दो, मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा। क्या आप चाहते हो मैं आपसे बात करूं? अजय भाई वो आ रही है। भाई मेरी मान लो, भाई मेरी मान लो, और बंदे को लेके आएंगे ना भाई। आज मैं इस जगह को दिखाना चाहता हूँ कि वाकई में इस जगह पे कितने अजगर हैं, कितनी आत्माएं हैं जो अजगर का रूप लेके हमें डराती हैं। मानो कितना भयानक जगह है, क्या किसी में कितनी हिम्मत है इस जगह पर आ सकता है? क्या किसी में हिम्मत है जो इस जगह पर आ सकता है, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है? और कौन करना है जिसको मरना होगा? मिनट के लिए इस जगह पर रुक सकता है, किसी में हिम्मत तो कमेंट करो। मरना है किसी को? भाई ये इधर उधर जा रही। भाई अजय भाई ये सब वही तहखाने बने हुए हैं लाशों को रखने के लिए। ये कहा है?
जैसे वही तहखाने ये नीचे लाशों को एकदम जैसे पता है दफन जैसा नहीं कर देते इंसान, वैसे दफन करके इकट्ठा लाशें यहाँ पर रखी जाती थी, क्योंकि उस जनरेशन में ये मुर्दा घर जैसी चीजें बहुत कम होती थी, तो सारी लाशें यहीं होती थी। नहीं तो ये क्या, ये धुआं फेंकने वाला है, आग हो सकता है, कुछ तो होगा। तो एक उधर कम होगी। ए भाई सबसे पहले यहाँ चलो, मेरे खुद ही एक तो रोंगटे खड़े और ऊपर से डरा रहे हैं यहाँ से। हमारे जुकाम बहुत, फीवर भी आ रहा भाई, चलो यहाँ से बाहर। मेरा मन, मेरा दिल कहता है कि इस पे है कुछ। भाई अभी गया था भाई तू। मेरा मन, मेरा दिल कहता है कि इस पे है कुछ, और 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आत्मा इस जगह पर ही है। भाई वो अभी इधर दिखी थी, फिर उधर दिखी, अब वहां। भाई वो सुन रही है। भाई अजय भाई अकेले मत जाओ, और बंदों को लाके चलेंगे ना। तो ठीक बोल रहा भाई, मैंने कहा ना आत्मा यहीं पर है। सुनो वो एक जगह से दूसरे जगह कोई भी आत्मा हो, वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही मिली सेकंड्स के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है। ये मैं आपको बता देता हूँ, शायद बहुत कम लोगों को ये चीजें पता हो। मेरे सामने गायब हो गई। अगर तुम्हें जल्दी आना था तो ना उसकी रेंज कौन उधर की थी, हकीकत में मैंने उस जगह को देखा है। भाई वो फिर आ गई होगी उसी जगह पे। भाई वही बात चलो भाई, और भी लोग ले ज्यादा लोग लेके आएंगे मेरे मेरे पीछे। भाई भाग के बाहर आ तो जल्दी। ऐसी भयानक जगह शायद किसी चैनल पे मिलती है आपको, और जिसमें भी हिम्मत है ना वो सिर्फ 1% या 2% इस जगह पर आके बता दूं, तो मैं समझ जाऊंगा कि हकीकत में वो बहुत बड़ा आगे नहीं पाऊंगा। इस जगह पर वाकई में इतनी लाशें दिखाई देती हैं लोगों को, इतनी लाशें दिखाई देती हैं कपड़ों से लिपटी हुई, आप अगर एक बार देखोगे ना तो आप लोग भी चौंक जाओगे। और इससे भी बड़ा चैलेंज अगली वीडियो में, मैं यहाँ पर अकेले आ रहा हूँ, आप सब वेट करना, अकेले आऊंगा और पूरा ऊपर तक जाकर एक्सप्लोर करूंगा, बगल के भी तहखानों को एक्सप्लोर करूंगा और एक एक जगह पर जाऊंगा वो भी अकेले, इससे बड़ी बात नहीं बोलूंगा मैं। बस आज की वीडियो यहीं तक, ये जंगल है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं बाहर। ओ भाई कुछ आ रहा, अजय भाई कुछ आ रहा, पीछे ऊपर ऊपर देख, ऊपर भाई ऊपर देख, ऊपर सामने 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 वो देखो भाई, भाई नीचे आ जा भाई, अजय भाई अरे गिर जा भाई, भाई 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 वो देखो भाई 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 वो आ रही भाई भाई वो।